ओके दोस्तों, हम लास्ट लेक्चर से बर्नौलीज एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन देख रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों ने स्पीड ऑफ इफ्लक्स और वेंचुरी ट्यूब को कंप्लीट कर चुके हैं, जो अगर आप देखना चाहो तो प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाया उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। अभी इस लेक्चर में भी हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन के कुछ एप्लीकेशन ही देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले शॉर्ट में हम लोग एक रिव्यू लेंगे, व्हाट इज मीन बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल और बर्नौलीज इक्वेशन। किसको याद है बर्नौलीज इक्वेशन? हमको बताता है कि जब भी कोई फ्लूड किसी ट्यूब में से पास हो रहा है, ठीक है, सो उसके किसी भी पॉइंट पे जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है फ्लूड की, वो क्या होती है? कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है हमको ये लॉ, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, हमने अगर मान लो यहाँ पे कोई ट्यूब है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ओके, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी वो सेम होगी। और हमने कहा था कि मान लो यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम है वो पी वन है, यहाँ पे फ्लो होने अगर वेलोसिटी वी वन है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनाई थी हम लोगों ने? हाफ ऑफ रो वी वन स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो सी लेवल से हाइट अगर होती तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनाई थी हमने? रो जी H1 या H1 रो जी, तुम लोग याद होगा, रिमाइंड करना होगा, हमने जो डायग्राम बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये पॉइंट P2 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, यहाँ पे P1 था, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, ठीक है। सो इसको ये इक्वल बनाया था हमने किसके? दैट इज व्हाट, P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू के, किसके बराबर बना था? रो जी एच टू के, ठीक है। अभी देखो, अगर हमारे पास ऐसी कोई केस है कि जिसमें हाइट जो है H1 और H2 जो है वो सेम है, मतलब कि H1 H2 के बराबर है या H होगा, ठीक है, तो हम इस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं? गायब कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा? दैट इज P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो व्हाट इज दैट V2 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर से हमको ये बताता है कि भाई यहाँ की और यहाँ की एनर्जी सेम है, टोटल एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन अगर मान लो सेकंड वाले पॉइंट पे प्रेशर या फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी का कम होना मतलब काइनेटिक एनर्जी का कम होना, तो इन दोनों में से अगर एक एनर्जी डिक्रीज होगी तो इस वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए दूसरे वाले वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज होना पड़ेगा। यानी कि प्रेशर और वेलोसिटी, इनमें क्या रीजन है, रिलेशन हो गया फिर कि अगर प्रेशर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी वहां पे कैसे होगी? डिक्रीज, प्रेशर ज्यादा तो वेलोसिटी कम, और अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा किसी पॉइंट पे? कम होगा। ये बताया हमको बर्नौलीज थ्योरम में। और कुछ इसी चीज को, इस चीज को रिमाइंड करूंगा तुम लोग, जहां पे फ्लूड की वेलोसिटी कम वहां पे फ्लूड का प्रेशर कैसा होता है? ज्यादा। और जहां पे फ्लूड की, कुछ गलत कर दिया नहीं, जहां पे फ्लूड का प्रेशर कम होगा वहां पे वेलोसिटी क्या होती है? ज्यादा। देखो ध्यान लो, प्रेशर वेलोसिटी, वेलोसिटी प्रेशर, इनवर्स रिलेशन है बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रहेगा तुम लोगों को। क्या है बताओ एक बार, वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अभी हम आज के लेक्चर में दो तीन एप्लीकेशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं बर्नौलीज इक्वेशन की, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला है लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन, ठीक है। सब लोगों ने देखा होगा एरोप्लेन उड़ता हुआ, ठीक है, आसमान में एरोप्लेन उड़ता है, ठीक है। उसके पहले वो दो तीन किलोमीटर या जितने भी किलोमीटर है वो क्या होता है, उसके रनवे पे भागता है, उसके बाद में लिफ्ट होता है। तो किसी ने कभी सोचा है कि भागते भागते ऐसा क्या होता होगा कि ये एरोप्लेन हवा में उड़ जाता है? तो इसका जवाब हमको कौन देगा? बर्नौलीज इक्वेशन देगा, ठीक है। तो तुम लोगों को पता है कि भाई जो एरोप्लेन होता है उस एरोप्लेन को साइड में ऐसे विंग्स होते हैं, उसके ब्लेड्स होते हैं ना, तो हम उसमें का एक ब्लेड लेंगे, उसका क्रॉस सेक्शन को फोकस आउट करेंगे, किस तरीके का डिजाइन है उसके एरोफॉइल का, उसका उसके ब्लेड का, ठीक है। मान लो एक प्लेन है, वो प्लेन कुछ इस तरीके से ऐसे रनवे पे इस डायरेक्शन में भाग रहा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये मान लो प्लेन है, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके ब्लेड का क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, क्रॉस सेक्शन समझता है, कट करके देखेंगे कैसा शेप है। तो तुमने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो जो ब्लेड का शेप है वो ब्लेड का शेप कुछ इस तरीके से होता है एरोप्लेन की, यस, ठीक है। अब एरोप्लेन एयर तो जगह पर खड़ी है और एरोप्लेन भाग रहा है, ठीक है, तो उनके बीच में कुछ तो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी v, मान लो ये प्लेन जो भाग रहा है आगे, ये वेलोसिटी v से भाग रहा है, ठीक है। अब तुम इमेजिन करो कि हम
अगर उनमें उल्टा इमेजिन करें कि मान लो प्लेन जगह पर है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एयर है वो पीछे भाग रही है विद वेलोसिटी v, क्योंकि उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई v, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो एयर इमेजिन कर रहे हैं हम, जो फ्लो हो रही है वो, जस्ट अ सेकंड, फ्लो हो रही है, उसका जो फ्लो है वो फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वेलोसिटी v से एयर फ्लो हो रही है, ठीक है, यस, ये ठीक है, ये यहां पे आएगी, लेकिन यहां पे आने के बाद एयर पीछे से नहीं जा सकती, तो ये वाली एयर कुछ ऐसे जाएगी, ऊपर वाले सरफेस से निकलती हुई जाएगी, ठीक है, उसके ऊपर वाली लेयर ये ऐसे जाएगी, ठीक है, उसके ऊपर वाली ये ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर वाली ये ऐसे, ओके okay? तो कुछ इस तरीके से एयर जो है वो इस जाएगी, ठीक है। अब होगा क्या, इससे होगा क्या, देखो तुम लोग दो पॉइंट को मेन करो, ये वाला पॉइंट लेट से इसको नाम देंगे हम ए पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट इसको नाम देंगे हम बी पॉइंट। तो हमने दो पॉइंट इमेजिन किए, एक ए, ऊपर वाला ए लेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, और नीचे वाला लेंगे बी, को कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब हुआ क्या, ये एयर भाग रही है, पहले यहां पे आए थे दो पॉइंट, ठीक है, अब दो पॉइंट थे, लेकिन जैसे ही ब्लेड आया, ब्लेड ने उन दो पॉइंट को कट कर दिया, तो ये दोनों पॉइंट ऐसे दूर दूर गए, उसके बाद में प्लेन चला गया, और फिर से ये दोनों पॉइंट, ये अपनी इस जगह पे आ गया और बी अपने ओरिजिनल जगह पर आ गया, और प्लेन निकल गया, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, देखो इस प्लेन को, मतलब इस मॉलिक्यूल ए और बी को यहां से यहां तक आने के लिए, मतलब कि प्लेन को वहां से यहां तक आने के लिए, तुम कैसे इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। सो इन दोनों को यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइम लगा होगा, जो पीरियड लगा होगा, वो टाइम तो सेम होगा, मतलब कि बी जितने टाइम में यहां तक आया उतने टाइम में ए यहां तक आया, लेकिन क्या उन दोनों ने कवर किया हुआ डिस्टेंस सेम है, नहीं। देखो बी ने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया वो कम है एज कंपेयर टू जितना डिस्टेंस ए ने कवर किया है, मतलब कि सेम टाइम में ए ने डिस्टेंस कैसा कवर किया है, ज्यादा कवर किया है। इसका मतलब ऐसा कब पॉसिबल है कि ए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तभी पॉसिबल है जब ए की स्पीड क्या हो, ज्यादा हो, यानी कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स इस ब्लेड के ऊपर से जा रहे हैं उनकी स्पीड, उनकी वेलोसिटी कैसी है, ज्यादा है, एज कंपेयर टू जो मॉलिक्यूल इस ब्लेड के नीचे से फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। So, यहां पे वेलोसिटी कैसी है बच्चों, यहां पे वेलोसिटी ऊपर वाले पे ज्यादा है, और यहां पे नीचे वाली वेलोसिटी उसके कंपैरिजन में क्या है, कम है, ठीक है। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर की क्या बात होगी, प्रेशर यहां पे क्या होगा, कम होगा, और यहां पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्रेशर अगर ज्यादा है, यहां पे प्रेशर ज्यादा है, यहां पे प्रेशर कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ज्यादा वाला प्रेशर इस ब्लेड के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, है ना, एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, ओके। और ये फोर्स मतलब बढ़ता जाएगा, जैसे 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 ये वेलोसिटी का मतलब बढ़ती जाएगी, ये डिफरेंस बढ़ते जाएगा, तो प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा, और जब ये प्रेशर जो नीचे से उस ब्लेड के ऊपर लग रहा है, जब ये प्रेशर उस प्लेन के वेट को ओवरकम कर देगा, तो क्या होगा, इस प्रेशर की वजह से ये प्लेन जो है एयर में से क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज व्हाट लिफ्ट कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं उसको, लिफ्ट, दैट इज व्हाट लिफ्टिंग अप हो रहा है ना वो प्लेन, समझ रहे क्या। तो कहानी बिल्कुल सिंपल है, यहां पे जब ये दो मॉलिक्यूल आए, दोनों ओवरकम किया इस ब्लेड को, लेकिन ये वाले जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल है इनकी स्पीड कैसे थी, ज्यादा थी, मतलब वहां पे प्रेशर कम हो गया, इसके कंपैरिजन में प्रेशर नीचे ज्यादा है, तो नीचे वाला प्रेशर उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा, ओके, और उस फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, वो प्लेन ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे समझ रहे, नहीं समझ रहे, ठीक है। इसके साथ साथ इस ब्लेड को यहाँ पे फ्लिपर या फ्लिप भी लगाई हुई रहती है, उसकी भी बहुत ज्यादा मदद होती है, मतलब प्लेन को ऊपर नीचे करने के लिए ये जो फ्लिपर है इसको ऊपर नीचे करके तुम प्लेन के डायरेक्शन जो है मतलब वो चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर ये प्लेन है और प्लेन को नीचे ऐसे फ्लिपर लगाया हुआ है ये, ठीक है, अगर ये फ्लिपर को ऐसे कर दो तो हवा जो है वो इसके ऊपर यहाँ पे लगेगी, हवा लगेगी तो सोचो अगर लगेगी तो इसको पीछे लगेगी तो प्लेन अपने आप नीचे चला जाएगा, समझ रहे क्या। और एग्जैक्टली अगर ये फ्लिपर ऊपर कर दो तो हवा ऊपर से लगेगी, हवा ऊपर से लगेगी तो प्लेन ऐसे अपना मुंह ऊपर कर लेगा। तो बेसिकली ये बात अलग है, लेकिन लिफ्ट के ऊपर फोकस करो कि किस तरीके से एरोप्लेन लिफ्ट किया जाता है। क्या रीजन बताया मैंने तुम लोगों को कि जब भी एयर फ्लो होगी ब्लेड के ऊपर से जाने वाली एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उस वाले यार जो नीचे से जा रही है। वेलोसिटी का ज्यादा होना मतलब अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ प्रिंसिपल वहां पे प्रेशर क्या होगा, कम, और नीचे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और उस प्रेशर के वजह से क्या होता है, ये प्लेन जो है एयर में लिफ्ट किया जाता है, ठीक है। नोट्स अगर पॉइंट वाइज देखना चाहते हो तो कंप्लीटली मैंने लिख के दिया है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिए, तुम उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में कुछ इसी तरीके से एक और एप्लीकेशन हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम बोलेंगे
वर्किंग ऑफ एटोमाइजर, ठीक है. सो नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर. ये एटोमाइजर क्या चीज है और ये किस तरीके से वर्क करता है? एटोमाइजर तुम सब लोगों ने देखा होगा, कभी सलून वलून में गए हो, है ना, वो जो स्प्रे होता है बालों पे, मतलब पानी छिड़कने के लिए, तो दैट इज व्हाट तुम ऐसा इमेज करोगे, वही एटोमाइजर है. ठीक है, कार्स को पेंट करने के लिए जो पेंट गन होती है, ठीक है. तो बहुत जगह पर इस प्रिंसिपल को, इस कंसेप्ट मतलब बर्नौलीज़ इक्वेशन को लगता है ऐसे स्प्रे करने के, सेंट के जो स्प्रे होते हैं ना, परफ्यूम. ओके, सो हम लोग पहले समझेंगे कि एटोमाइजर किस तरीके से वर्क करता है. अब एटोमाइजर में क्या होता है, ठीक है, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल अगर तुमको बताऊं, ठीक है. सो देखो एटोमाइजर में क्या होता है, हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है. ये क्या है हमारे पास कंटेनर, ये, ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मैं रफ कर लेता हूँ, इधर इधर बनाता हूँ. ये बनाया हम लोगों ने कंटेनर, ये पूरा क्लोज है, ठीक है. इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये फ्लूइड, ठीक है, इस तरीके से. और इसके अंदर हम लोगों ने एक ट्यूब डाली हुई है, ठीक है, एयर पैक है ये, बिल्कुल मतलब क्लोज करके रखा हुआ है, और ये ट्यूब इस लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर डिप करके रखे हुए, ठीक है. अभी हम क्या करेंगे, एक दूसरे ट्यूब के सहारे यहां से, मतलब मान लो यहां से अगर हम दूसरा एक ट्यूब ले ले कुछ इस तरीके से. ओके, देखो कहानी को समझ रहे हो तुम लोग, ये फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर हमने एक ट्यूब रख दी, उस ट्यूब के बाजू में अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल एक ट्यूब रख दूं, ठीक है, और वहां से उसमें से एयर को ब्लो कर दूं, तो क्या होगा, यहां से एयर बहुत ही हाई स्पीड से पास होगी. कहां से कैसे पास होगी, बहुत ही हाई स्पीड से. जब यहां पे वेलोसिटी ज्यादा है तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी. प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम. और जितनी प्रेशर की वैल्यू यहां पे, अब यहां पे प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन यहां पे प्रेशर तो उतना ही है, क्योंकि मैंने यहां से हवा फ्लो करने, ब्लो करने से पहले दोनों जगह पर प्रेशर कैसा था, सेम था, लेकिन यहां से एयर फ्लो हो गया हाई स्पीड से, जितनी ज्यादा स्पीड से उतना प्रेशर यहां पे कम होगा, तो दोनों में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, तो उसके वजह से क्या होगा, इसके अंदर ये जो है लेवल जो है लिक्विड की राइज होती जाएगी, है ना. जितनी एयर मैं उसके अंदर ब्लो करते जाऊंगा, धीरे धीरे ये लिक्विड की या फ्लूइड की लेवल राइज हो जाएगी, और एक पॉइंट पे ये फ्लूइड ऊपर आएगा, ठीक है. एक पॉइंट पे ये फ्लूइड क्या आएगा, ऊपर आएगा, और ये जो मैं ब्लो कर रहा हूं इसके साथ इसके ड्रॉपलेट्स ऐसे आगे छिड़के जाएंगे, जैसे स्प्रे में होता है, ठीक है. बिल्कुल उसी तरीके से हमारे किताब में जो हमको दिया है डायग्राम, कुछ इस तरीके से दी हुई है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दी हुई है, ये है एक सिलेंडर, ठीक है, और इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगाया हुआ है, यह है वो पिस्टन, दिस इज व्हाट, ये पिस्टन पी है, ये जो है एक सिलेंडर सी है, ठीक है, और इस ट्यूब को दे दिया नाम, ट्यूब के टी नाम दे देंगे, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड भर के रखा हुआ है, ठीक है. समझ रहे हो कहानी को, क्या पढ़ रहे हैं हम, वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर. तो ये तुम्हारे सामने एक एटोमाइजर ही है जो क्या कर रहा है, हम क्या करेंगे, पिस्टन को जब दबाएंगे इस सिलेंडर के अंदर की जो एयर है वो बहुत ही हाई स्पीड से यहां से ऐसे बाहर निकलेगी. जब एयर उस वाले एंड से बाहर निकलेगी तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. यहां पे प्रेशर, वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम है यहां पे, प्रेशर ज्यादा है तो ये लिक्विड क्या हो जाएगा, जितनी तुम एयर ब्लो करोगे ये लिक्विड चढ़ते जाएगा एक पॉइंट पे यहां पे, और यहां से ऐसे बाहर की दिशा में मतलब स्प्रे किया जाएगा, ठीक है. इस तरीके से दैट इज व्हाट एटोमाइजर वर्क करता है, कार को पेंट करने के लिए या फिर अलग अलग जगह पर हम इस तरीके का कंसेप्ट ही यूज करते हैं, जो बॉडी स्प्रे होते हैं वही, ठीक है. कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, ठीक है. और कुछ भी दिक्कत हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे को, ठीक है. एंड इसके बाद में लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज व्हाट, कि जो हमने देखा होगा कि जब भी स्टॉर्मी वाइंड मतलब कि बहुत ज्यादा तूफान आ जाता है तो घर की छत जो है वो उड़ जाती है ना, कुछ इस तरीके से देखो. जो तो नेक्स्ट एप्लीकेशन लिख दो, ये सेकंड था, थर्ड है दैट इज व्हाट ब्लोइंग ऑफ रूफ, ठीक है, रूफ, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, सबने देखा होगा छत घर की कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होती है छत, ये देख लो. ओके, यस, ठीक है. अब क्या होगा कि बहुत तेजी से जब हवा आती है तो ये जो हवा है वो हवा ऐसे हाईली आके इस छत को लग के ऐसे चली जाएंगी, ठीक है, ये ऐसे आके ऐसे चली जाएंगी, बहुत तेजी से आ रही है, छत को लग के ऐसे चली जा रही है, ठीक है. ओके, तब यहां पे हवा की जो वेलोसिटी है वो कैसी है, बहुत ज्यादा है. पहले जब एयर मतलब इतने स्पीड से नहीं जा रही थी तो अंदर वाला प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर लगभग सेम था, ठीक है,
अब अंदर जो प्रेशर है, हमने दरवाजे खिड़की सब सब कुछ बंद कर दिया, तो अंदर जो प्रेशर है वो कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो अंदर से लग रहा है उस छत के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब हाई स्पीड से एयर आके उस छत के ऊपर से जाएगी, जो ऊपर वाला लगने वाला प्रेशर है वो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर ज्यादा है बच्चों तो वहां पे प्रेशर कैसा होता है, कम। अगर ऊपर वाला प्रेशर कम है, नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि छत उड़ जाती है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे भी क्या लग रहा है, बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, यहाँ पे भी क्या लग रहा है, बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, वेलोसिटी और प्रेशर के बीच में जो रिलेशन है कम ज्यादा होने का वही तो लग रहा है। उसके बाद में हमने इसके पहले जो देखा, इसके पहले हमने जो प्लेन का लिफ्टिंग का कंसेप्ट देखा, ठीक है, उसमें भी सेम कहानी हो रही है, ठीक है। सो अगर इसके बाद मतलब इसको ध्यान से तुमने देखा होगा, उसकी नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस नोट्स को पढ़ो, पॉइंट वाइज लिख के देखो, उसके बावजूद भी अगर तुमको कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी का बाद में। थैंक यू।